तो गुलाब जी रेडी हो? हाँ, कितने मिनट में ढेर होगा? एक मिनट से पहले खत्म करिए। चटनी वटनी का इस्तेमाल करिए, आराम से। बिल्कुल बिल्कुल आके जी, पूरा फ्रेंच फ्राई, चटनी, मोमोज, भाई साहब एक ही बार में जा रहा है, पूरा एक साथ भाई साहब। आराम से खाइए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, सिर्फ 1300 सेकंड का टाइम हो रहा है और 1300 की स्पीड पकड़ चुके हैं भाई साहब। राकेश जी मोनिका जी फास्ट फूड में काफी खतरनाक है और आज देखते हैं गुलाब जी को टक्कर दे के जो इनाम लेके जा पाती है कि नहीं। बढ़िया भाई, चलो भाई, खासियत आप देख सकते हो। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और 4 मिनट 4 सेकंड का टाइम और 400 की स्पीड पकड़ चुके हैं बिल्कुल मोनिका जी जैसा कि गोलगप्पे गायब हो चुके हैं और मोमोस भी गायब होता हुआ नजर आ रहा है। चैलेंजर सारे ही खतरनाक है, न्यू चैलेंजर के रूप में जो आ चुके हैं और न्यू चैलेंजर पे पता नहीं रहता कौन कितना तबाही मचाते और कौन जीत जाए। क्या लगता है? जीत जाऊंगी मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीआर फूड चैलेंज में। पीसीआर फूड चैलेंज में आज लाए हैं मिक्स फास्ट फूड ईटिंग चैलेंज और मिक्स के अंदर हमने रख दिया है गोलगप्पा है, चौमिन है, मोमोस है, पेस्ट्री है, बर्गर है और फ्रेंच फ्राइज है। भाई इतने ढेर सारे चीजों को आज फिनिश करना है, तो आज देखते हैं कौन चैलेंजर इसको सबसे कम टाइम में ढेर करते हैं और आज का ढेर सारा इनाम जीत के ले आते हैं। आज इनाम के तौर पर रखा गया पूरा का पूरा 2000 रुपए का कैश, 2000 का कैश प्लस जो है 3 पैकेट जो है काले जी रखा गया। तो देखते हैं कौन कितनी तेजी करते हैं, कौन यह ढेर सारा इनाम जीत के ले आते हैं। और आज जो है एक एक करके चैलेंजर उतारे जाएंगे, एक एक करके देखते हैं कौन सबसे बड़ा टारगेट देते हैं, कौन सबसे कम टाइम में खाते हैं। तो सबसे पहले कौन उतरेगा? मैं उतरूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन उतरेगा? मैं उतरूंगी। थर्ड पे कौन उतरेगा? बहुत बढ़िया भाई, न्यू चैलेंजर के रूप में आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं इनकी व्यूअर सब्सक्राइबर हूँ। मैं बिल्कुल किसी काम से आई थी लेकिन फिर मैंने मुझे मौका मिला इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमारे चैलेंजरों में, हर एक चैलेंजरों में जोश जो है भरपूर मात्रा में होता है, वही जो हमारे व्यूअर में भी जोश जो है उतनी मात्रा में होता है। और यहाँ देखते हैं कौन कितनी तबाही मचा के ये ढेर सारा इनाम जीत के ले आते हैं। तो सबसे पहले उतरेंगी गुलाब जी। गुलाब जी, तो गुलाब जी अपनी पोजीशन लीजिए। बिल्कुल। और देखते हैं आज जो है मिक्स चैलेंज के अंदर जो है कितनी तबाही मचाते हैं, कितने सेकंड के अंदर पूरा ढेर करते हैं। बिल्कुल, तो गुलाब जी रेडी हो? कितने मिनट में ढेर होगा? एक मिनट से पहले खत्म। भाई साहब 1 मिनट रखे जी, चलो। तो बढ़िया, तो देखते हैं ये कितना बड़ा टारगेट देते हैं। तो रेडी है, 3 2 1 और स्टार्ट। भाई साहब टाइमर हो चुका है स्टार्ट। और राकेश जी चटनी वटनी का इस्तेमाल करिए, आराम से। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, पूरा फ्रेंच फ्राई, चटनी, मोमोज, भाई साहब एक ही बार में जा रहा है, पूरा एक साथ भाई साहब। आराम से खाइए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, सिर्फ 1300 का टाइम हो रहा है और 1300 की स्पीड पकड़ चुके भाई साहब। राकेश जी 18 सेकंड में तो चौमिन और फ्रेंच फ्राई भाई साहब एक ही साथ जा रहा है अंदर, बहुत सही। बिल्कुल आराम से खाइए गुलाब जी, आराम से खाइए, क्योंकि इधर जो है आपके बगल में जो बैठे हैं दोनों चैलेंजर काफी जगह भाई, भाई साहब। राकेश जी आज तो भाई साहब तबाही मचा देंगे गुलाब जी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सही। बिल्कुल 35 सेकंड का टाइम हो रहा, गुलाब जी आराम से खाइए, अभी आराम से बहुत टाइम है आपके पास, कम से कम 2-3 मिनट 5 मिनट का चैलेंज है, उतना टाइम तो लगाइए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, गुलाब जी थोड़ा आराम से करिए भाई साहब, तो कुछ बोल ही नहीं पाए राकेश जी क्योंकि काफी ज्यादा शौक हो चुके हैं भाई साहब। बिल्कुल गुलाब जी आराम से, आराम से जल्दी करिए गुलाब जी, चौमिन, मोमोस भाई साहब और जो फ्रेंच फ्राई पूरा एक ही बार में जा रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो देखते हैं राकेश जी, गुलाब जी बंद कर रखी है, बिल्कुल दोनों चैलेंजरों के होश गुल कर रखे हैं और हमारा खुद जो है बत्ती गुल हो रखा है। बिल्कुल राकेश जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे भाई साहब, और 1 मिनट हो चुका है और चौमिन, मोमोस, फ्रेंच फ्राई पूरा हो चुका है फिनिश, और अब राकेश आ चुका है एक बर्गर और पेस्ट्री भाई साहब, बहुत सही। बिल्कुल 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 आराम से खाइए गुलाब जी, आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से खाइए, अभी इनके पास बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी टाइम लगाएंगे, आराम से खाइए। आज राकेश जी चैलेंज में भाई साहब जितने भी स्ट्रीट फूड के आइटम है सारे कुछ रख दिए थे भाई साहब, और यहाँ जो गुलाब जी पूरा तबाही मचाते हुए दिख रही है भाई साहब, बहुत बिल्कुल, सही। बिल्कुल गुलाब जी आराम से खाइए, क्योंकि यहाँ जो है बर्गर है, बर्गर जो है आराम से खाया जाता है। बिल्कुल बर्गर ऐसे नहीं खाया जाता, ऑडियंस हम जो है चैलेंजर को थोड़ा थोड़ा समझाना भी पड़ता है, क्योंकि चैलेंजर जो है काफी ज्यादा जोश में रहते हैं और 2000 रुपए का कैश और इतने भारी इनाम के लिए जो है पूरी तबाही मचा देते हैं। आज राकेश जी लगता है कि 2000 रुपए कैश भाई साहब गुलाब जी हिल जाने वाली है, जहाँ तक की लग रहा है क्योंकि। बिल्कुल बिल्कुल, क्या लगता है मोनिका जी जीत पाओगे कि नहीं भाई साहब, और आपको क्या लगता है? आराम से खाइए, आराम से खाइए गुलाब जी। चलो भाई साहब दोनों चैलेंजर देखते हैं, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है आपके पास। राकेश जी 2 मिनट हो चुका है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम मत बताइए विशाल जी, टाइम नहीं बताइए, क्योंकि बिल्कुल अगर ये टाइम दे सुनेंगे इनके कानों तक जाएगा 2 मिनट का टाइम, तो इनके बिल्कुल तो और जोश आएगा भाई, मत जाएगा, तो टाइम मत बताइए। बिल्कुल आपके पास बहुत सारा टाइम, सोडियन चैनल पे नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, ताकि खतरा खतरा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से ये हटाइए, लकड़ी हटाइए, लकड़ी हटाइए। राकेश जी बर्गर में जो लकड़ी भी डोल रहा है भाई साहब, सभी चैलेंजर अपनी अपनी लकड़ी हटा लीजिए। बिल्कुल
बस गुलाब जी का लकड़ी घूम रहा था भाई, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी अब देखना यही है कि गुलाब जी जो है कितना टाइम लेती है इसको फिनिश करने में, और यहाँ तो भाई साहब पूरा एक ही बार में हो चुका है मिक्स, सीधा जो निकलने में फोकस कर चुके हैं गुलाब जी भाई। बिल्कुल गुलाब जी आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है आपके पास, अभी बहुत सारा टाइम है सिर्फ, और अभी बचा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पेस्टी घूम रहा है इसके अंदर। बिल्कुल पेस्टी तो पता ही नहीं कब गायब हो जाएगा। राकेश जी एक ही बार में जाएगा भाई साहब, ये देखो आराम से, ये देखो भाई साहब बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत तबाही, बहुत आंधी, बहुत तूफान। तो ऑडियंस टाइमर भी देख सकते हो और हमारे चैलेंजर भी देख सकते हो भाई साहब कितने खतरनाक है ये। तो राकेश जी देखते हैं 2000 रुपए कैश और ये भाई साहब पूरा पाले जी कौन लेके जाता है आज के चैलेंज में। बिल्कुल आराम से गुलाब जी आराम से। इधर मोनिका जी भाई साहब एकदम ही सस्पेंस में क्रिएट हो चुकी है, काफी होपलेस भी दिख रही है भाई। बहुत बढ़िया राकेश जी, 3 मिनट 25 सेकंड का टारगेट दिया गुलाब जी भाई साहब, और राकेश जी पूरी पूरी थाली जो है पूरी भरी हुई थी अभी, और भाई साहब इतने टाइम में जो है पूरा फिनिश कर चुकी है गुलाब जी भाई। बहुत आंधी, बहुत तूफान, बहुत पवनर भाई, जितनी तारीफ किया राकेश उतनी कम है भाई। खराब हो रहे थे, पसीने हमारे छूट रहे थे भाई। बिल्कुल चलिए तो आ जाइए मोनिका जी सेकंड चैलेंजर, अपनी पोजीशन लीजिए। तो क्या लगता है मोनिका जी, कुछ बताओगे हमारी ऑडियंस को, फिनिश कर पाओगे कि नहीं? हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, चैलेंजरों की खासियत आप देख सकते हो, कितने भी तूफानी चैलेंजर आ जाए मगर उससे जो है हार नहीं मानते हमारे कोई भी चैलेंजर। बिल्कुल उसी के साथ उतर चुके और जैसा कि राकेश जी मोनिका जी फास्ट फूड में काफी खतरनाक है, और आज देखते हैं गुलाब जी को टक्कर दे के जो इनाम लेके जा पाती है कि नहीं। चलो बिल्कुल फास्ट फूड की तरह एक तरह से तो पूरी चैलेंज में हमारे बिल्कुल सबसे फास्ट चैलेंजर। चलो तो रेडी है, 3 2 1 और स्टार्ट। ये लो राकेश जी पहले गएगा गोल गोल गप्पा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और 4 मिनट 4 सेकंड का टाइम और 400 की स्पीड पकड़ चुके हैं बिल्कुल मोनिका जी। मोनिका जैसा कि राकेश जी सबका खाने टेक्निक अलग अलग है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल गुलाब, ये लो राकेश जी गोलगप्पा फिनिश हो चुका है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोलगप्पा कब गायब हो गया ओ भाई साहब, जैसा कि गोलगप्पे गायब हो चुके हैं और मोमोस भी गायब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि चैलेंजर सारे ही खतरनाक है भाई। मोनिका जी जैसा कि राकेश जी एक एक का जो टेस्ट लेके खा रही हैं, और गुलाब जी भाई साहब चौमिन मोमोस बर्गर पिज्जा भाई साहब जो भी है सारा एक ही बार में निकल रही थी भाई। बिल्कुल बिल्कुल मिक्स टेस्ट बनाया था उन्होंने। बिल्कुल ये जो है अलग अलग टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ही नहीं ले रहे, तबाही भी मचा रहे, तबाही मचा रहे भाई साहब, क्योंकि टाइमिंग बाकी राकेश जी कुछ ही सेकंड हुआ है अभी। बिल्कुल 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 आराम से आराम से आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, बहुत टाइम बचा हुआ है। और यहाँ राकेश जी बिल्कुल, और गोलगप्पा हो चुका है फिनिश, मोमोस हो चुका है फिनिश, और लगभग जो फ्रेंच फ्राई भी होने वाला है फिनिश भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई, 1 मिनट के अंदर इतनी सारी चीजें फिनिश। बिल्कुल राकेश जी टाइम को जो ना बताया जाए भाई साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ भाई टाइम नहीं बताया जाएगा क्योंकि जो है चैलेंजर हमारे इतने ही खतरनाक है। बिल्कुल अगर टाइम कान के अंदर 1-2 मिनट चला जाए तो लगता है उनको कि हार जाएंगे, क्योंकि राकेश जी गुलाब जी ने टारगेट काफी सही दिया है भाई साहब। बिल्कुल टारगेट एक तरह से, ऑडियंस कमेंट करके बताओ आज का जो चैलेंज का इनाम जो है कौन लेके जाने वाला है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इतना भारी भरकम इनाम है, 2000 का कैश प्लस जो है 72 पीस पार्ले जी है भाई। बिल्कुल, और राकेश जी टाइमिंग हो चुका है इतना, और भाई साहब चैलेंज में थाली भी हो चुकी है उतनी भाई साहब, बहुत बढ़िया। 3 आइटम बचा हुआ है और लगभग 3 आइटम खत्म हो चुका है। बिल्कुल 1 2 3 4 4 आइटम खत्म होने वाला है भाई, 4th आइटम, और यहाँ जो है 2 आइटम और बचा हुआ है, और यहाँ टाइम बचा है। ये लो राकेश जी बर्गर भी जा रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, साथ साथ बर्गर भी जा रहा है। बिल्कुल मतलब टेक्निक कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं भाई, यही होता है दिमाग की दिमाग का खेल है। बिल्कुल राकेश जैसा कि पड़ा हुआ पेस्ट्री, और पेस्ट्री भाई साहब एकदम लास्ट में खाएंगे ये लोग। बिल्कुल टेस्टी राकेश दिखता है बड़ा पर होता कुछ नहीं है भाई साहब उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मात्रा में वैसे इतना आइटम रख दिया गया है कि नॉर्मल आदमी कोई खा ले तो पेट भर जाए, और 2 दिन तक तो कुछ मांगे ही ना। तो क्या लगता है गुलाब जी, आप भी जीतोगी कि मोनिका ही जीतेंगी या हमारी नई चैलेंजर? बिल्कुल ये जो है गुलाब जी जहाँ पे आ जाए बैठ जाए तो समझ जाओ कि चैलेंज का तो अंजाम निकल चुका है। बिल्कुल, और इधर प्रतिज्ञा जी भाई साहब इधर देखते हो काफी हैरान भी दिख रही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है हमारे चैलेंज की दुनिया में आए और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, और अपना अनुभव देखते हैं क्या दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, किस क्या लगाते हैं क्या नहीं, और पहली बार उतरी है तो देखते हैं खाने का अनुभव है कि नहीं। पर इधर मोनिका जी भाई साहब धीरे धीरे जो है सारा कुछ फिनिश कर चुकी हैं, और पेस्ट्री भी लगभग हो चुका है फिनिश, और अब राकेश जी एक बर्गर भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, 5वां आइटम खत्म होने वाला भाई, बहुत तूफान बहुत आंधी मचा चुके हैं और टाइम बहुत कम हो रहा है अभी। बिल्कुल टाइम को मद्देनजर रखिए। ये लो भाई साहब बर्गर भी, ध्यान दिया जाए तो अभी जो है
टाइम बिल्कुल सूटी वाला है, कहीं बराबर ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, टाइमिंग हो चुका है भाई साहब, एकदम लास्ट मोमेंट आने वाली है अब। और इधर मोनिका जी एकदम लास्ट बर्गर रह चुका है इनका। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, कितना टाइम लगाया था गुलाब जी ने? राकेश जी 3 मिनट 25 सेकंड भाई। 3 मिनट 25 सेकंड, तो भाई बिल्कुल बराबर ना हो जाए कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, क्योंकि मोनिका जी जो है फास्ट फूड की सबसे खतरनाक चैलेंजर आज उतर चुकी है, दुनिया की सबसे खतरनाक। बिल्कुल राकेश जी, अगर मोनिका जी को टाइमर बताया जाता तो भाई साहब बर्गर जो इनके हाथ में फिनिश हो जाता भाई साहब। पर यहाँ जो टाइमिंग ना बताने के कारण जो है बर्गर थोड़ा बहुत ढीला दिख रही है भाई। नहीं सही बात है, टाइम नहीं बताएंगे, टाइम बताएंगे तो ये तूफान जो है कुछ ज्यादा ही लाते। बिल्कुल भाई, सीधा निकलने में फोकस करते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए जल्दी करिए मोनिका ये, जल्दी करिए एकदम आखिरी बाइट के साथ जो लगता है फिनिश करने वाली हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, पसीने छुड़ा देने वाला चैलेंज आज लेके आए हैं ऑडियंस, और जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करिए और पूरे गांव में मोहल्ले में फैला दीजिए वीडियो, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि चैलेंजर ऐसे चैलेंजर भी होते हैं। बिल्कुल भाई साहब, तूफान एक साथ ला, जल्दी करिए मोनिका जी, क्या बात है, छोटा सा पेट है और भाई साहब खाने की क्वांटिटी काफी ज्यादा है भाई साहब। बहुत खतरनाक, एक तरह से कुंभकर्ण थाली एक तरह से। बिल्कुल, क्योंकि राकेश जी जितने भी स्ट्रीट फूड आइटम आते हैं सारे ही रख दिए थे भाई, सिर्फ पिज्जा छोड़ के भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी टाइम बताए तो 4 मिनट का टाइम हो रहा है मोनिका जी, 4 मिनट सुनते ही जो देख सकते हो आप ऑडियंस स्लो पड़ गई है भाई साहब। चलिए तो मोनिका जी चैलेंज को तो स्किप करिए अब, और आवाज आ जाइए अगले चैलेंजर भाई साहब। बिल्कुल स्किप कर दीजिए चैलेंज, चलो खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी है? क्या लगता है? जीत जाऊंगी मैं? बहुत बढ़िया भाई, ये हौसला चाहिए एक न्यू चैलेंजर के लिए। तो देखते हैं अभी 3 मिनट 25 सेकंड से अगर नीचे खाते हैं तो ही ये 2000 का कैश प्लस 72 पार्ले जी का पैकेट लेके जाते हैं। क्या लगता है मोनिका जी जीत पाएंगी कि नहीं? ये पहली बार है, फिर भी देखते हैं। और गुलाब जी आपका क्या ओपिनियन है? चलो भाई साहब, तो राकेश जी टाइमर को तो स्टार्ट किया जाए भाई। बिल्कुल न्यू चैलेंजर के रूप में जो आ चुके हैं, और न्यू चैलेंजर पे पता नहीं रहता कौन कितना तबाही मचाते और कौन जीत जाए, पता नहीं रहता ऐसा। रेडी है? हाँ। टाइमर स्टार्ट करें, 3 2 1 और स्टार्ट। चलो तो टाइमर हो चुका है स्टार्ट, और राकेश जी देखते हैं जैसे कि पहली बार आई हैं, तो राकेश जी देखते हैं इनाम जीत के जो है। सबसे पहले बता दें विशाल जी, रुक जाइए, अभी जो सबसे पहले बताएं तो आपको हंसना नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल भी, और हमारी बातों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अपने खाने पे ध्यान रखें, क्योंकि न्यू चैलेंजर है तो न्यू चैलेंजर जो है होपलेस भी हो जाते हैं कई बार, जैसा कि ऑडियंस आपने बोला था भाई साहब न्यू चैलेंजर लाओ, उस हिसाब से ला चुके हैं न्यू चैलेंजर। तो देखते हैं ये गुलाब जी और भाई साहब मोनिका जी को टक्कर लेके जो इनाम लेके जा पाती है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, तूफान तो एक तरह से मचा चुकी है मगर जो है अंजाम कुछ और ही निकलने वाला है। बिल्कुल, न्यू चैलेंजर के रूप में आई और न्यू चैलेंजर कब जीत जाए कुछ पता नहीं रहता भाई। तो राकेश जी टाइम हो चुका है इतना, और भाई साहब चैलेंजर जो है काफी थोड़े से डरे मायूस लग रहे हैं, और 2 मोमोस हो चुका है फिनिश और 2 गोलगप्पा हो चुका है फिनिश भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी जो है टाइम बताएं, और टाइम तो 1 मिनट का टाइम हो, 50 सेकंड का टाइम हो रहा है। बिल्कुल, और 2 आइटम जो है खत्म होने वाला है भाई, लगभग लगभग सारे आइटमों का टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, सारी चीजें धीरे धीरे फिनिश। बिल्कुल, मोमोस भी राकेश जी एक रह चुका है, और फ्रेंड्स भी थोड़ा बहुत स्वाद ले रही है, और गोलगप्पे का ही भाई साहब अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब काफी ज्यादा दिमाग लगा रही है भाई साहब, धीरे धीरे। राकेश जी चैलेंज को इस मुकाम पे ले आए गुलाब जी भाई साहब। बिल्कुल गुलाब जी, दिमाग लगाना ही पड़ेगा उसमें। बिल्कुल, दिमाग बिना दिमाग के तो कोई जीत ही नहीं सकता, अगर गुलाब जी जो टारगेट दे दे तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जल्दी 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 फिनिश करिए, जल्दी जल्दी स्पीड दिखाइए, क्योंकि पहली बार आए हो भाई साहब आप। बिल्कुल बिल्कुल, हंसना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हंसते हैं तो थोड़ा सा जो है कि थोड़ा दिक्कत आया था, तंत्रिकाएं भी खुल जाती हैं, जैसे कि अभी जो है सिर्फ मुंह की तंत्रिका, मुंह का जो नली खुला हुआ है, अभी जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है खाने पे, खाने पे भाई साहब। बिल्कुल, खाने पे फोकस करोगे तो ही नाम लेके जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और राकेश जी टाइमर हो चुका है 1 मिनट भाई साहब 45 सेकंड। बिल्कुल 2 मिनट का टाइम होने वाला है, और 2 मिनट के अंदर जो है इन्होंने लगभग जो है चैलेंज को आधा कर दिया भाई, आधा तो कर ही दिया है भाई साहब, बिल्कुल आधा कर दिया। तो चलिए राकेश जी देखते हैं चैलेंज, लगता है कि जीत तो नहीं पाएंगे, पर राकेश जी स्वाद तो लेके जाएंगे भाई साहब, लेके जाएंगे। और अभी बात बताए तो 2 मिनट का टाइम हो रहा है, 2 मिनट में जो है ये थाली को आधा करते हुए नजर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। अगर दिक्कत हो रही है तो आप चैलेंज को स्किप कर सकते हो, बीच से छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है चैलेंज में। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, 2000 रुपए का कैश ले ही जाना है। राकेश जी गोलगप्पा खा चुकी हैं, और गोलगप्पा भी कम से कम भाई साहब पेस्ट्री का स्वाद तो ले जाइए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, और इधर मुंह राकेश जी हो चुका है पूरा फुल, और 2 मिनट 22 सेकंड भाई साहब, 2 मिनट 22 सेकंड के अंदर जो है इन्होंने हार मान लिया है। और जैसा कि हम ऑडियंस कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप छोड़ सकते हो गेम से, गेम से स्किप कर सकते हो, जो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको चैलेंज लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि 2000 का कैश ज्यादा बड़ा इनाम नहीं होता एक तरह से चैलेंज में। बिल्कुल, तो दोनों तीनों चैलेंजर एक बार हाथ धो के आइए, उसके बाद जो है इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किसको इनाम दिया। बिल्कुल राकेश, चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो तो राकेश, तीनों चैलेंजर तो हाथ धो के आ चुके हैं, अब तो राकेश जी गुलाब जी को इनाम दिया जाए भाई। बिल्कुल
दिया जाएगा भाई, बिल्कुल दिया जाएगा। गुलाब जी आज फिर से साबित कर चुके हैं दुनिया की सबसे खतरनाक चैलेंजर भाई। बिल्कुल राकेश जी, आज इतने सारे आइटम थे भाई साहब स्ट्रीट फूड में, और आज राकेश जी पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई साहब। ये भाई बिल्कुल आंधी तूफान सारा एक साथ ला दिया, और जब चैलेंज में लड़ रही थी तब हमारे पसीने छूट रहे थे, क्या होगा भाई साहब, क्योंकि सारी चीजें जो है चबाने वाली और टाइट टाइट आइटम थी, और सबको जो है एकदम से मिला के एकदम से जो है। बिल्कुल राकेश जी सारा भाई साहब स्वाद जो एक ही बार ले चुकी है, और इधर आई थी नई चैलेंजर भाई चैलेंजर स्किप कर चुकी है ये। बिल्कुल एक तरह से अच्छी बात है, स्किप करना भी सही बात है, क्योंकि जो है चैलेंज है तो चैलेंज में काफी ज्यादा जो है न्यू चैलेंज है जो हड़बड़ी मचा देते हैं, कई बार जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता था, इसलिए जो है अच्छा हुआ इन्होंने चैलेंज को स्किप किया, ये भी अच्छा लगा मुझे। और चैलेंज में हौसला जो था काफी नेक्स्ट लेवल था, इसीलिए जो है चैलेंज उतर पाई और काफी दूर से आई थी चैलेंज। तो राकेश जी अब जो है गुलाब जी को इनाम दिया जाए भाई। बिल्कुल गुलाब जी, तो ये लीजिए गुलाब जी काफी खतरनाक थाली फिनिश करने का जो इनाम है पूरा 2000 रुपए कैश, और राकेश जी पूरी जो पार्ले जी की एक तरह से पैकेट भाई। बिल्कुल ये लो। जब भी गुलाब जी आती हैं तब तो इनका हाथ ही भर जाता है पूरा इनाम से और कैश से और सभी चीजों से। तो गुलाब जी आपको कैसा लग रहा है, हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं जीती, मैं अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं तो हमेशा जीत कर जाऊंगी, कभी हार के जाऊंगी। आप बिल्कुल कर दो, कभी करते नहीं कमेंट में, मैं देखती हूं कुछ आप लोग करते नहीं है, पूरे बिल्कुल भाई सब कुछ फैला दो। चलो तो ऑडियंस भाई साहब कमेंट में जो है कंजूसी बिल्कुल मत करो भाई साहब, क्योंकि यहाँ भाई साहब गुलाब जी चैलेंज लड़ने में काफी कंजूसी करती ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऑडियंस जो है इन्होंने जो चैलेंज में लड़ने से बिल्कुल कंजूसी नहीं करती, तूफान आंधी अपना बेस्ट से बेस्ट देती है, और ऑडियंस आप जो है वीडियो देख के और नॉर्मली आप खिसका देते हो। सो ऑडियंस जितना हो सके इनके लिए कमेंट भर दो, गुलाब जी से जितना हो सके बिल्कुल, और न्यू चैलेंजर के लिए भी इतना तारीफ लिखिए जिससे न्यू चैलेंजर अगली बार आए तो जीत के ही जाए। बिल्कुल, तो आप कैसे रह गए न्यू चैलेंजर को बताओगे हमारी ऑडियंस को? हाँ वैसे तो मैंने वीडियोस में देखा था इन लोगों को खाते हुए, लेकिन रियल में लोग और ज्यादा खतरनाक है, देखकर मैं थोड़ा डर गई थी पहले ही, बिल्कुल कर दिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं आई और पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, आप लोग अगर चाहते हैं चैलेंज में पार्टिसिपेट करना तो आप भी आकर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, चलो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा एकदम से, जैसे कि ये चैलेंज में जितना तूफान, जैसे कि इन्होंने हौसला एक तरह से इतना ज्यादा बताया था कि कुछ भी हो सकता था, जीत भी सकती थी, और एक तरह से अच्छी बात है कि स्किप किया, ये भी अच्छी बात है। और इधर बात करते हैं इधर मोनिका जी फास्ट फूड की इतनी खतरनाक चैलेंजर है, किसी को भी नहीं जीतने देती, मगर यह तो दुनिया की खतरनाक मोनिका जी, क्योंकि आपने भाई टारगेट काफी सही दिया था, काफी ज्यादा ओवरलोड हो गया था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जीतने की। बिल्कुल, अगले नेक्स्ट चैलेंज में जरूर आऊंगी, जरूर जीत के जाऊंगी। चलो भाई बहुत सही, हाइट और मतलब एक तरह से जो है हमारी सबसे छोटी चैलेंजर यही मानी जाती है, मगर जो हौसला इतना ज्यादा है ना कि तूफान जो मचाते हैं, और कितना भी बड़ी थाली ले आओ हार नहीं मानने वाली, जीत के जाए मगर खा के पूरा फिनिश करके जरूर जाती है। बिल्कुल, तो उसी के साथ आप बताना तीनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर आपको ज्यादा अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। उसी के साथ अपना यह चैलेंज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक मजेदार चैलेंज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।